हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। पूरी फैमिली के लिए कुक करना हम लेडीज़ की एक मेन जॉब है, इसीलिए डे बाय डे हम इस जॉब में एक्सपर्ट भी होती जाती हैं। लेकिन फिर भी यही काम एक टाइम पे इरिटेटिंग लगने लगता है। रीज़न, लैक ऑफ प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। हमेशा मैंने आपको यही एडवाइस किया है कि नेक्स्ट डे के मेन्यू की प्लानिंग और प्रेपरेशन एक रात पहले करके रखें, ताकि आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर सकें। अब इसी टाइम और एनर्जी को और ज़्यादा सेव करने के लिए मैं लेके आई हूँ वीकली मील प्लानिंग। और जब मैंने इसे 1 वीक के लिए ट्राई किया तो इसके रिजल्ट अमेजिंग थे। अपने रीजन और फैमिली के अकॉर्डिंग सबका टेस्ट और प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने वो प्लान बनाया है जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर घरों में यूज़ किया जाता है। ये वो मील्स हैं जो रेगुलरली हमारे घरों में बनते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक छोटी सी हेल्प के लिए है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। कुकिंग करना इतना भी इजी नहीं जितना आम लोग समझते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम लेडीज चाहें तो कितनी ही टफ जॉब को भी अपनी प्लानिंग के साथ ईजी बना सकती हैं। वीकली मील्स को प्लान करने के लिए सबसे पहले कोई नोटबुक ले लें जिसे आप सिर्फ इसी काम के लिए यूज करेंगी। नई चीज़ों को सीखने, नई रेसिपीज को ट्राई करने, हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहें ताकि लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहे। किसी भी मील को प्लान करने के लिए कुछ चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। उन मील्स के ऑप्शंस होने चाहिए जिन्हें मोस्टली आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुक करती हैं। तो स्टार्ट कर रही हूं मैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन से, जिसमें सबसे पहले है पोहा, दलिया, पास्ता, बेसन चीला, ओट्स, स्मूदी और पैनकेक्स। ये 7 ब्रेकफास्ट डिफरेंट और हेल्दी ऑप्शंस हैं जो अक्सर मैं अपनी किचन में कुक करती हूं। आगे हैं कुछ ब्रेड के ऑप्शंस। वर्किंग पीपल ज्यादातर अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड का ही करते हैं, लेकिन ब्रेड भी अगर आप ब्रेड जैम और ब्रेड बटर ही खाते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ब्रेड की बहुत सारी रेसिपीज की नॉलेज होते हुए भी कई बार वो माइंड से स्किप हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर रिटर्न में हो और विजुअलाइज रहें तो आप हमेशा कुछ अलग ट्राई करती रहेंगी। ब्रेड के साथ एग ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग, ये तो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद आता है ब्रेड सैंडविचेस। तो सैंडविचेस में जो 3 तरह के सैंडविचेस मोस्टली मेरी किचन में बनते हैं, वेजिटेबल सैंडविच, पनीर सैंडविच और आलू सैंडविच। ब्रेड सैंडविच के बाद ब्रेड जैम या बटर के अलावा पीनट बटर आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है। ब्रेड सूजी टोस्ट हो गए, ब्रेड पिज्जा बना सकते हैं, ब्रेड एग टोस्ट बना सकते हैं। तो ये 6 हैं ब्रेड के ऑप्शंस। तो ये तो वो ऑप्शंस है जो मैं अपनी किचन में यूज करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं पराठा ऑप्शंस। तो पराठा कौन कौन से हम बनाते हैं? सिंपल पराठा बनाते हैं किसी भी सब्जी के साथ, जैसे कि भिंडी हो गई, टिंडा हो गया, या फिर करेला बनाते हैं हम, कद्दू की सब्जी बनाते हैं, लौकी की सब्जी, तो उसके साथ ब्रेकफास्ट में हम सिंपल पराठा यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है अजवाइन पराठा, आलू पराठा हम बना लेते हैं, गोभी पराठा है, यहाँ पे मूली पराठा है, अनियन पराठा है, दाल का पराठा, जैसे दाल बच जाती है पिछले दिन की तो उसको ऐड करके हम दाल पराठा बना सकते हैं। साथ ही आ जाता है पनीर पराठा और मिस्सी रोटी। ये 9 तरह के पराठा ऑप्शंस हैं जो हमारे घरों में बनते हैं, लेकिन पराठा वगैरह मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। अब आते हैं संडे स्पेशल पे, क्योंकि संडे का ब्रेकफास्ट पूरे वीक के ब्रेकफास्ट से डिफरेंट होता है। पनीर पराठा और आलू का पराठा मैं मोस्टली संडे को बनाती हूँ। कीमा नान, पूरी चना, सांभर डोसा, ये साउथ की बहुत ही कॉमन डिश है, लेकिन हमारे घरों में रेगुलरली नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि सबको पसंद है तो इसे संडे स्पेशल में ऐड किया है। डेली डोसा खाने वाले इसका बैटर बल्क में रेडी करके रख लेते हैं, लेकिन मैं इसे एक दिन पहले ही रेडी करती हूँ। बैटर रेडी करके अगर हम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें तो बहुत ही क्रिस्पी डोसास बनते हैं। उसके बाद संडे स्पेशल में ब्रेड पकौड़ा, चीज परांठा, मेथी और मक्की का परांठा, जिसे हम मेथी लीव को मक्की के आटे में गूंद के बनाते हैं, एग और वेज रोल जो कि बच्चों के फेवरेट हैं। उसके बाद आता है लच्छेदार परांठा, जिसे मैं बनाती हूँ आलू और टमाटर की सब्जी के साथ। लंच या डिनर में हम ज़्यादातर दाल या सब्जी ही बनाते हैं, तो दालों में लेंटिल्स और लेगुमीज दोनों आ जाते हैं। कॉमनली जो दालें हम यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है, आप चाहें तो कोई और दाल भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले है साबुत उड़द की दाल, जिसे हम ब्लैक दाल या फिर पंजाब में माँ की दाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजमा, वाइट चना, ब्लैक चना, साबुत मसर, चना दाल, धुली मूंग, धुली मसूर और धुली उड़द की दाल। तो ये सारी धुली दाल है जिसे हम येलो दाल बनाते हैं मिक्स करके। नेक्स्ट है मूंग दाल, मूंग छिलका दाल जिसे हम ग्रीन दाल कहते हैं, अरहर की दाल जिसे तुअर दाल, जिसे कि सांबर बनता है, लोबिया है, रोंगी और मोठ की दाल। अब इन्हीं दालों को कंबाइन करके यानी कि कॉम्बिनेशंस में हम क्या क्या दालें बना सकते हैं उसकी भी मैंने एक लिस्ट रेडी की है। जैसे कि साबुत उड़द की दाल के साथ हम दाल मखनी रेडी कर सकते हैं, राजमा और साबुत उड़द की दाल यानी कि माँ राजमा हम रेडी करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये डिश भी। और राजमा और राइस तो सबके फेवरेट होते ही हैं। उसके बाद है वाइट चना, जिसे आप ड्राई और ग्रेवी दोनों में बना सकते हैं, क्योंकि ड्राई
चना रोटी और नान के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और ग्रेवी वाले चना आप बना सकते हैं राइस के साथ। सेम एज ब्लैक चना को भी आप ड्राई और विद ग्रेवी दोनों के साथ बना सकते हैं। साबुत मसूर की दाल जिसे आप अकेले बना सकते हैं या फिर चना दाल के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। चना दाल को आप अकेले भी बना सकते हैं, विद लौकी बना सकते हैं, विद पालक बना सकते हैं या फिर कोकोनट पाउडर के साथ बना सकते हैं। धुली जितनी भी दालें हैं उन सबको मिक्स करके आप येलो दाल जिसे हम कहते हैं वो बना सकते हैं। मोठ की दाल अकेले भी बनती है और रोंगी के साथ भी बनती है। रोंगी को जैसे मैंने बताया कि मोठ के साथ या फिर आलू के साथ बना सकते हैं आप, या कोकोनट पाउडर ऐड करके भी बना सकते हैं। मूंग की दाल जिसे हम ग्रीन दाल कहते हैं उसे आप चना दाल के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। धुली उड़द की दाल को भी हम ड्राई और विद ग्रेवी दोनों के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अरहर यानी कि तुअर की दाल से बनती है दाल फ्राई या फिर सांबर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वेजिटेबल शॉपिंग की तरफ। तो वेजिटेबल जितनी भी आप खाते हैं उनकी एक लिस्ट रेडी कर लें। मैं पूरे वीक के लिए वेजिटेबल शॉपिंग संडे इवनिंग को करती हूँ, इसीलिए आजकल संडे मॉर्निंग को ही मैं अपनी वीकली मील प्लान की लिस्ट रेडी कर लेती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही वेजीज की शॉपिंग कर सकूँ। मेरी वेजिटेबल शॉपिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही जितनी भी लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेनली जो वेजिटेबल्स मैं अपने घर लेके आती हूँ उनमें से है गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, फली जिसे हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं, पत्ता गोभी जिसे कैबेज कहते हैं, लौकी, कद्दू, भिंडी, करेला, टिंडा, पालक है और साथ ही साग, मेथी, मशरूम्स, बैंगन है जिसे हम एग प्लांट्स या ब्रिंजल भी कहते हैं और ब्रोकली। इसके अलावा कुछ बेसिक वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम दाल या सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सैलड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अनियन, पटेटो, टोमेटो, जिंजर गार्लिक, रेडिश यानी कि मूली और कुकम्बर, लेटिस। आगे बढ़ते हैं वेजिटेबल मेकिंग ऑप्शंस पे। किन किन वेजिटेबल्स को हम कंबाइन करके कौन सी वेजिटेबल बना सकते हैं, जैसे कि गोभी आलू बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं हम, गाजर मटर बना सकते हैं, भिंडी है भिंडी अकेले बना सकते हैं या फिर भिंडी आलू बना सकते हैं, बीन्स आलू बनते हैं, शिमला मिर्च को हम आलू के साथ या फिर पनीर के साथ बना सकते हैं, मटर आलू बनते हैं, पत्ता गोभी के साथ मटर बनाते हैं हम, और लौकी और टमाटो की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। पनीर को यूज करके कौन कौन सी चीजें हम अपने घर में मोस्टली बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर दो प्याजा, मटर पनीर और चिली पनीर। तो ये पनीर की वो 6 रेसिपीज हैं जिन्हें कॉमनली हम अपने घर में बनाते हैं। इसके अलावा बहुत रेसिपीज हैं पनीर की, आप बहुत सी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नॉनवेज में चिकन की 8 रेसिपीज ऐसी हैं जो मैं अपने घर में कॉमनली बनाती हूँ। तो लेमन चिकन है उसमें, मसाला चिकन है, बटर चिकन, क्रीम चिकन, चिली चिकन बनाती हूँ मैं, पालक चिकन, कैप्सिकम चिकन और वेजिटेबल चिकन। इसके अलावा मैं कुछ और ऑप्शंस शेयर कर रही हूँ। जब डेली दाल या सब्जी खा खा के हम बोर हो जाते हैं तो फिर ये रेसिपीज हमारी किचन में बनती हैं, जैसे कि कड़ी राइस, वेजिटेबल पुलाव, चिकन पुलाव और एग पुलाव। और जब इन सबसे हट के कुछ खाने को मन करे, बनाने को मन करे और आपके पास वक्त की कमी भी हो तो आप बना सकते हैं खिचड़ी। तो बहुत तरह से बनती है खिचड़ी। उड़द दाल की खिचड़ी यानी कि साबुत माँ की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं आप, धुली दाल खिचड़ी बना सकते हैं, चना दाल की खिचड़ी बनती है, मूंग दाल खिचड़ी, तुअर दाल खिचड़ी या फिर बाजरा खिचड़ी। तो ये थी वो सारी ऑप्शंस जिनको मैंने पेज नंबर डाल के लिख लिया है ताकि मुझे इजी रहे फाइंड आउट करना, और साथ ही फ्रंट पेज पे नंबर डाल के मैंने लिख लिया है कि कौन सी पेज पे मुझे क्या मिलेगा। साथ ही इसी बुक में आप कुछ रेसिपीज भी लिख सकते हैं और पेज नंबर डाल के उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सारा काम आपको एक ही बार करना है और अगर आपके पास ये रेडी है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे एवरी वीक आपको पूरे वीक का मील प्लान बनाने के लिए। प्लान बनाने के लिए आप पेपर पेन तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं जिसे डबल टेप से आप अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक बोर्ड भी मिल जाते हैं जिसमें अपने वीकली प्लान को आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा और एवरी वीक वो पेपर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेजोन पे आपको इस तरह का वीकली प्लानर भी मिल जाएगा जो मैग्नेटिक है, तो आप इस पे लिख सकते हैं मार्कर से और जब चाहे इसको इरेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बस मंडे टू संडे के लिए ब्रेकफास्ट टू डिनर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बस सामने अपनी नोटबुक रखें और लिखते जाएं कि कौन से दिन आपको क्या बनाना है। तो एक वीक का प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। मंडे को ब्रेकफास्ट में बना रही हूं मैं ब्रेड ऑमलेट, साथ ही पनीर की भुर्जी बनेगी क्योंकि बेटा टिफिन में लेके जाएगा पनीर की भुर्जी, और दो मील मैं इकट्ठे बना लेती हूं यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच में साथ में बनाती हूं। तो व्हाइट चना बनाऊंगी रोटी और प्लेन दही के साथ, और साथ ही रात को डिनर में बनेगी कैबेज और मटर की सब्जी। अगर मंडे को मैंने ब्रेड और ऑमलेट खाया है तो ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट में मैं कार्ब स्किप करूंगी, तो अपने लिए बनाऊंगी मैं ओट मील और बाकी सबके लिए बनेगी लौकी और रोटी की सब्जी क्योंकि सब लोग ओट नहीं खाते हैं, और लौकी की सब्जी बेटा टिफिन में भी ले जाएगा, और लंच में बनेगी येलो दाल और डिनर में बनेगी आलू शिमला मिर्च।
वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाऊंगी स्मूदी और साथ ही बॉयल एग लूंगी। दाल परांठा बनेगा सबके लिए, जो ट्यूसडे को दाल बनाई थी येलो उसमें से एक कटोरी रख लूंगी और उसी को आटे में गूंद के बनाऊंगी मैं सबके लिए दाल परांठा। दाल पालक बनेगी लंच में और डिनर में बनेगा बटर चिकन और पनीर की भुर्जी। वेडनेसडे और सैटरडेज को हम चिकन बनाते हैं, मम्मा नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसके लिए उनके लिए अलग से एक पनीर की डिश बनती है। थर्सडे को ब्रेकफास्ट में बनेगा पोहा और साथ ही बनेंगे जीरा आलू क्योंकि बेटा टिफिन में नहीं लेके जाएगा पोहा। लंच में बनेगी ब्लैक दाल विद राइस और साथ में मैं रायता बनाऊंगी और डिनर में बनेंगे गाजर मटर। फ्राइडे को ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला जो सब लोग खा लेते हैं और बेटा टिफिन में भी लेके जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं लंच भी साथ में बना लेती हूँ तो लंच में बना रही हूँ मैं उस दिन शाही पनीर, तो शाही पनीर ही लेके जाना पसंद करेगा फिर वो टिफिन में। उसके बाद डिनर में बनेगी साबुत मसूर की दाल। सैटरडे को ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनेंगे जो सब लोग खा लेते हैं और दोपहर को लंच में बनेगी राजमा और राइस विद रायता बनाऊंगी और डिनर में बनेगा लेमन चिकन और साथ ही मम्मा के लिए पनीर टिक्का। संडे स्पेशल में इस बार बनेगा सांबर डोसा। लंच हम लोग स्किप करते हैं, अगर शाम को भूख लगेगी तो फ्रूट चाट बना लूंगी या बच्चों के लिए पास्ता बना दूंगी और डिनर में बनेगा मिक्स वेज। और सुबह का जो सांबर बच जाएगा उसे हम मिक्स वेज के साथ रात को डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये तो था एक वीक का मील प्लान। इसी तरह से आप हर वीक का मील प्लान रेडी कर सकते हैं और बस आप डबल टेप के साथ में इसे फ्रिज पे लगा दूंगी और बार बार इसे आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से इसको इरेज कर नया वीकली मील प्लान लिख सकते हैं। वीकली प्लान में जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की हैं उनमें से है स्वीट डिश। तो स्वीट डिश वीकेंड पे ही बनती है और वो भी फैमिली डिमांड पे कि उनको क्या खाना है तो उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। ग्रीन चटनी वन वीक चल जाती है, उसे जार में फिल करके फ्रिज में रख देती हूँ, खत्म होती है तभी दोबारा बनाती हूँ। दही वड़ा बनेगा या फिर रायता बनेगा या फिर आप प्लेन दही लेंगे वो आपके टाइम के अकॉर्डिंगली ही आप डिसाइड करेंगी। प्लानिंग तो ठीक है लेकिन प्रिपरेशन सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। मैं अगले दिन क्या बनाने वाली हूँ उसकी प्रिपरेशन मैं एक रात पहले करके रखती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट डे अगर मुझे पनीर की कोई डिश बनानी है तो मैं रात को ही पनीर बना के रखूंगी और मार्केट से लाने की बजाय मैं घर पे ही पनीर बनाना प्रेफर करती हूँ। एक बार आपको रात को लिस्ट चेक करने की आदत हो गई तो कल के लिए जो राजमा और या चना आपको बनाने हैं उनको रात को ही सोक करना है, ये भी ध्यान में रहेगा। अगले दो दिन में आप कौन सी वेजिटेबल्स बनाने वाले हैं उनको अगर आप काट के एक ही बार में स्टोर कर लें तो काम करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। बेटर है कि आप इन्हें ग्लास कंटेनर में स्टोर करें, लेकिन अच्छे ब्रांड का अगर कोई प्लास्टिक कंटेनर है तो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली को अगर हम मार्केट से लाते ही ब्लांच करके फ्रीज कर लें तो वो काफी लंबा टाइम चल जाती है, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे ही येलो हो जाएगी। अनियन जिंजर गार्लिक ये बहुत ही बेसिक हैं जो हर रेसिपी में काम आती हैं, तो इनको आप वन वीक के लिए पील करके स्टोर कर सकते हैं। बात कुकिंग की हो या किसी और काम की, एक बार प्लानिंग में दिया हमारा थोड़ा सा वक्त हमारे टाइम और एनर्जी को सेव करने के साथ साथ काम की क्वालिटी को भी बढ़ा देता है और बिना स्ट्रेस के हम हैप्पी मूड के साथ सब कुछ निपटा लेते हैं क्योंकि अभी क्या बनाऊंगी कल क्या बनाऊंगी सोचने में लगने वाला वक्त बचने लगेगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।